जुलाई 18 भी सिर्फ NFT एक इंट्रोडक्शन आ रहा है, अभी एल्बम अगस्त में आएगी। द सुपरस्टार म्यूजिशियन इज हियर, कम एंड सीज माई लाइफ, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी बिगर देन अ फिल्म स्टार। एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पे माफ़ी मांग ली, मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता। रॉयल्टीज एक तनख्वाह है, जब म्यूजिशियन एक तनख्वाह पे जीने लग जाएगा तो वो तनख्वाह के बारे में ही सोचेगा। दे आर बिकमिंग स्ट्रीमिंग स्टार्स। 10,000 रुपये की टिकट उनके शो की नहीं बिक्री। शराब तो देखो हमारे कल्चर में, आप ठेके बंद करा दो, हम गाने बनाने बंद कर देंगे। आई डोंट केयर अबाउट हिप हॉप म्यूजिक, आई एम अ बिग फिश एंड आई सिंग बिग एंड आई मेक इट वर्क। यो यो हनी सिंह, वेलकम टू CNN News 18. Thank you, sir. Yo Yo, you have a new album that is releasing on July 18. It's titled Glory. But the catch this time is this new album will be released as an NFT, correct? No, it's not correct. The thing is, the album is not coming on NFT. Just one track of the album, which is the introduction of the album, gonna be available exclusively on NFT platform. And it's not gonna be anywhere else, not on streaming, not on YouTube. It's just gonna be on NFT on my website. Anybody can buy it, and it's just $1 NFT. It's a new concept. Lots of artists from India already did it. They did full albums, but I'm not doing the full album. Full album gonna be on other platforms. Okay. That gonna come out in August. ये अभी सिर्फ एक introduction आ रहा है album का, सिर्फ NFT पे। और ये एक मेरा thought था यूनाइट करने का, मेरे हार्डकोर फैंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का। NFT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ 1 मिलियन कॉपीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी सिर्फ 1 मिलियन कॉपीज़ होंगी इस इंट्रोडक्शन की, और $1 की एक कॉपी है। और इसमें वो क्रिप्टो विप्टो वाला कोई टोकन वोकन वाला सीन नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से इसको खरीद सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू बाय, दे जस्ट हैव टू गो टू माई वेबसाइट ऑन 18th of July ऑनवर्ड्स एंड दे कैन बाय इट। मेरा कंसेप्ट ये है कि इस NFT के थ्रू सबसे पहले एक ये पीस ऑफ लव है फ्रॉम यो यो हनी सिंह, एक ऐसी चीज़ जो हनी सिंह ने एक्सक्लूसिव 1 मिलियन लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए रिलीज़ करी है, जिसको वो ज़िंदगी भर रख सकते हैं अपने पास $1 में ख़रीद के। कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो ख़रीदेंगे उनको पता चलेगा क्या एक्सक्लूसिव चीज़ है। बड़ी इंस्पिरेशनल भी है, और अगर कोई ये सोचे कि यार ये $1 का मैंने ख़रीदा था, और जैसे NFT होती है उसका प्राइस ऊपर नीचे जाता है, और अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो अगर कोई आगे जाके इसको बेचना चाहे तो उसको ट्रेड करके बेच भी सकता है। जो मुझे उम्मीद है कि कम ट्रेड होगा मेरा NFT जनरली लोग करते हैं ट्रेडिंग के लिए। मेरा NFT में आने का थॉट कुछ अलग है। मेरा NFT में आने का थॉट है एक्सक्लूसिविटी देना अपने फैंस को, वो चीज़ जो ना यूट्यूब पर हो, ना स्ट्रीमिंग साइट्स पर हो, ना कहीं हो। तो सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स $1 में इसको ख़रीदें और इसको एक्सपीरियंस करें। कुछ लोग अगर इसको ट्रेड करना चाहते हैं, आगे जाके बेचना चाहते हैं, बेचें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग इसको बेचने नहीं वाले। So then, please tell us about the album. How many tracks it will feature and what is the genre? It's crazy, bro. Just because of Bholenath, it just happened. I started an EP of 5 songs. It converted to 9-song album. Now it's 18-song album. बहुत सारी कोलैबोरेशन है इसमें, जो नई कोलैबोरेशन, नए आर्टिस्ट जो आजकल चल रहे हैं, कुछ जो मुझे बहुत पसंद हैं, काफ़ी सारे फ्यूजन्स हैं इसमें। मेरी लास्ट एल्बम हनी 3.0 में रैप नहीं था ज़्यादा, सिंगिंग ज़्यादा थी। वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देख रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं कई सालों बाद वापस एक एल्बम लेकर आ रहा था। अब मैंने उसका एक्सपीरियंस किया, मुझे काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिले हनी 3.0 के थ्रू, उन चीज़ों को मैंने कंसिडर किया और उन चीज़ों को मैंने बहुत सीरियसली लिया इस ग्लोरी एल्बम में। तो इसमें बहुत सारा रैप है, पंजाबी रैप है, हनी सिंह डांस नंबर्स के लिए जाना चाहता है, बहुत सारे डांस नंबर्स हैं, लव सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग है, रैप सॉन्ग है, पंजाबी रैप है, हिंदी रैप है, यू नेम इट। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं मैंने, और इसका मैं एक बहुत स्पेशल आदमी को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो मेरा छोटा भाई है। इज़ माई ब्रदर फ्रॉम पटियाला एंड इत्तेफाक की बात देखो कैसी है कि उसका पहला गाना मैंने लिखा था, विच इज़ ब्रेकअप पार्टी। हिज नेम इज़ लियो ग्रेवाल। ब्रेकअप पार्टी, ब्रेकअप की पार्टी रखी है। तो उसको मैंने उस गाने से लॉन्च किया था 2012 में, और वो गाना मैंने लिखा था। तो और आज तकरीबन 12 साल बाद वो मेरी पूरी एल्बम वो लिख रहा है, और ये पूरी एल्बम उसने लिखी है मुझे अंडरस्टैंड करके, क्योंकि ये एल्बम वही लिख सकता था जो मुझे कई सालों से जानता हो, मेरे साथ रहा हो, ट्रैवल किया हो। आर यू फाइन विद सिंगिंग समवन एल्सेस लिरिक्स? मैं जर्नली नहीं करता था। मैंने हनी 3.0 में लोगों के लिरिक्स गाए, अच्छे लगे, लोगों को पसंद आए, लेकिन उसमें फिर भी वो टच नहीं था जो मेरे लिरिक्स देते थे। लियो ने जो लिरिक्स मेरे लिए लिखे हैं वो एग्जैक्टली मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो लिरिक्स हैं जो मैंने खुद अपने लिए लिखे हैं। क्योंकि वो मुझे और मेरे को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर चुका है, मेरे साथ वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका है, पिछले 15 साल से हम साथ में हैं और बहुत अजीब सा रिलेशन है लियो और मेरा। बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है वो, बहुत चुप रहता हमारे पूरे ग्रुप में, वो सबसे चुप आदमी है, सबसे शांत, सबसे हम्बल, सबसे सोबर, और उसने मेरे हर फेज में मुझे देखा है। जब मैं पीक में था तब देखा, जब मैं डाउनफॉल में था, घर पे बीमार था तो वो घर पे आता था अपनी वाइफ के साथ मुझसे मिलने, और फिर उसके बाद जब वापस मैं कमबैक करने की शुरुआत कर रहा था हनी 3.0 के साथ, हनी 3.0 के दौरान भी लियो मेरे पास आया। उसने बोला भाई मैं चाहता हूँ आप ये करो वो करो। मैं कहा नहीं यार अभी तो रुक जा, अभी मैं यही करूँगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब हमने जब ग्लोरी के लिए हमने तकरीबन 8-9 महीने साथ बिताए तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, उसने मेरी सारी बातें सुनी कि मुझे क्या चाहिए, तो उसने वो लिखा। तो इट्स कम आउट एन अमेजिंग एल्बम। मुझे ऐसा लगता है जॉनर्स की आप बात करें कि अंग्रेज़ी बीट ना हाउस म्यूज़िक है, ना ट्राइबल म्यूज़िक है, ना हिप हॉप म्यूज़िक है, वो हनी सिंह जॉनर है। ब्राउन रंग हिप हॉप नहीं है, वो हनी सिंह जॉनर है। डोप शोप पता नहीं क्या जॉनर है, वो हनी सिंह जॉनर है। तो अगेन ग्लोरी के 18 के 18 गाने एक हनी सिंह जॉनर है। वेरी एक्साइटेड। देन लास्ट टाइम आपने कहा था देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड नागिन, जिसके लिए यू कॉल्ड इट एज योर विराट कोहली ऑफ हनी। नो दैट वाज क्लासी मुंडा। क्लासी मुंडा इज वाज द सॉन्ग दैट यू कॉल्ड। वो आया ही एल्बम में। या बट देन व्हाट डू यू थिंक, व्हिच सॉन्ग आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? From all the songs this time, one song which is like Honey 3.0 में आपको बताऊं, मैं ना खुद इतना श्योर नहीं था, तभी मैंने हर महीने एक गाना निकाला। मैंने सारी एल्बम एक साथ ड्रॉप नहीं करी क्योंकि आई वाज नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोडक्ट, लाइक दिस गोना वर्क। आई वाज डूइंग एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैं हर महीने नया गाना बनाता था और रिलीज करता था, देखता रहा इसका क्या रिस्पॉन्स आया, थोड़ा चेंज कर दिया, वो कर दिया। नाउ 18 के 18 गाने एक ही तारीख पे रिलीज होंगे, जुलाई 18। नो जुलाई 18 भी सिर्फ NFT एक इंट्रोडक्शन आ रहा है। अभी एल्बम अगस्त में आएगी, उसकी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन जब भी एल्बम की डेट डिसाइड होगी उस दिन 18 के 18 गाने एक म्यूजिक वीडियो के साथ बाहर आ जाएंगे। यू नो आई हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट योर म्यूजिक, बट व्हाट यू बीन अप टू फ्रॉम लास्ट अप्रैल व्हेन हनी 3.2 रिलीज टिल नाउ, व्हाट केप्ट यू सो बिजी? नथिंग, आई जस्ट स्टॉप्ड डूइंग शोज एंड आई वांटेड टू। मेरा अप्रैल 2024 में हनी 3.2 एल्बम ख़त्म हुई, जो हमने उर्वशी के साथ गाना किया बिगड़िया हीरा। उसके बाद से ही, उससे पहले से ही हम लोग लग गए थे कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। हम लोग इंटरनेशनल विलेज 2 एक एल्बम है, कोलैबोरेशन एल्बम, उस पर काम कर रहे थे, उसको ड्रॉप किया हमने, हमने ग्लोरी पे काम करना शुरू किया। सो ग्लोरी इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द डेड हनी सिंह बैक अगेन। गुड टू नो। या but anything it was never dead. You also you feel yeah. You know, I have to ask you, while in the West there are rich musicians who have this opulent lifestyle and they fly in their private jets like Kanye West, but why in India we don't have that superstar pop artist or musician for that matter? The superstar musician is here, you know what I mean? Come and see my life. Okay. You'll be amazed. It'll be bigger than a film star. You have to live my life. Come. I don't show off. I don't say that in lyrics. But this time, in the first song of Glory, I'm flexing. मैंने हिंदुस्तान के सबसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन के सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियोस बनाए हैं। देसी कलाकार 2014 में हॉलीवुड में, ब्लू आइज 2013 में हॉलीवुड में शूट किया। एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियोस, लेकिन मैंने कभी भी फ्लेक्स नहीं किया, ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है। मैंने बात करी सड़क की। लेकिन अब मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया कि फ्लैक्स का ज़माना है और आपकी ज़िंदगी अगर इतनी माशाल्लाह है तो वाई डोंट यू फ्लैक्स। तो हम बड़े हम्बल तरीके से, पहला गाना है जो ग्लोरी का, उसका नाम है मिलेनियर, तो उसमें थोड़ा सा फ्लैक्स कर रहे हैं। आई होप सबको पसंद आएगा। you know, you're in Mumbai right now, and you'll be performing live at Anand Ambani's wedding on Friday, that's July 12th. Which song you'll be singing? It's a surprise because it's very अभी मैं क्या कहूँ कि बहुत private है. एक तो private event है तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता. Anand is a great guy and he called me to perform at his wedding. It's a great privilege and I want to keep it very private. सच्ची बात बोलूँ तो he used to come down to my show. He first time he came to my show in 2012 in Mithibai College in school uniform. Okay. Since then I know him and he's so humble and so great, so kind. उस वक्त भी हमारी मुलाकात बहुत अच्छी हुई थी. वीर भी था साथ में. तो आज उसकी शादी है और आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. But have you prepared any special act for the wedding? Special act अनंत के खास दोस्त वीर ने खुद डिज़ाइन किया है मेरे लिए and I'm performing that on what because he know what Anant like, so I'm doing that because Veer knows that. You know, few years ago it was Shah Rukh Khan versus Salman Khan. The tiff between them was a hot topic in Bollywood. But it looks like you are in no mood to become friends with the singers with whom you had a fallout with. You know, I'm talking about Badshah, who actually extended an olive branch and said that there was a misunderstanding between you and him. Are you in no mood to become friends with him again? यार मेरे को इनकी बात ही नहीं समझ में आती. मैंने आज तक किसी के बारे में बोला कुछ तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ. दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं. तो बोलते हैं मेरे को ये समझ नहीं आती लोग क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई. एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा. अब उसने स्टेज पे माफ़ी मांग ली तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में. मेरा तो उससे लेना देना नहीं. मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता. Really? Don't you want to, you're just now in 40s, don't you want to just now? No, he was never my friend. तो कोई दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी. वो अपने उसने खुद स्टेज पे शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी. वो मेरे बारे में कुछ सोचता था उसके उस ख्याल से मेरे बारे में. तो उसका अपनी सोच थी उसके अपने ख्याल से. उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया. बहुत अच्छी बात है. भोलेनाथ उस पर और दया करे और कामयाब हो वो. आई थॉट आदमी थोड़ा जब एज थोड़ा बड़ा मेरा लेना देना है. मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ. मेरे अपने पर्सनल लोग हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है और अगर वो मुझे भगवान ना करे कभी मुझसे नाराज़ हो जाए तो मैं कभी कुछ भी करके उनको मना लूँगा. और जो मेरे लोग दिल के अजीज़ हैं जो मेरे ख़ास दोस्त हैं उनमें से मैंने आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं देखा कि भाई भाई को गाली देता है. You were very young when you achieved so much name and fame. What is it that you want to now achieve? What does success mean to you? Beyond everybody's imagination, but it's there in my focus and my consciousness, what I want to do, and it's world I've never seen it ever before. And if my Bholenath is gonna bless me, I'll definitely do it. You know, India today have a very thriving Desi hip hop scene, but we don't have many female voices in hip hop. Yeah. Does it bother you? No. There is one girl. She is amazing. Shishti Tavade? No. The girl from Delhi. She's crazy. Her name is Agzi. You must check out Agzi. She is fire, and I invited her to my studio 4 years back. I remember. She is fire, and definitely wanna work with her. So there are lots more. Female artists are coming up and I see all these cypher videos online and there are lots of girls. There is one little girl in Chandigarh, she do a cypher in English. She was doing a cypher in English. So मैंने उसको ढूंढ के उसके Instagram पे उसको बोला मैंने कहा बहन तुम बहुत अच्छा काम कर रही है. But do you like cypher? Do you also? I'm not into that. Like. Do you used to? No, I don't, that's not my hip hop. My hip hop definition is very different. You know, you have achieved so much success. Has that widened your creative playground and made it more global in appeal? Do you know? I was global since day one. I made my first song. I produced my first song in 2005 called Kharke Glassy. It was on BBC world charts, number 1. For so many weeks, I was global at that time. You know, last time also I asked you, and this time again I want to know, How family friendly is Glory? Your new album is. It's very family friendly. Very family. Only the visuals are gonna make it little glamorous, because that's what I like. But in lyrics, it's nothing like that, because I don't want to do it. I got this grey beard now, and I have nephews and nieces, so I don't want to do all that shit what I was doing when I was bloody young and furious. So the lyrics are very fine. जो आजकल चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत filtered है मेरा काम. जैसे कि इतना वो तो गाली वाली बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं. मैं वो सा कुछ नहीं कर रहा हूँ. सिंपल लिरिक्स हैं. लियो ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं. कुछ हमने करारे शॉट्स लिए हैं कुछ लोगों के लिए ऊपर बड़े सबमिनल से, जो जिसको समझ में आने होंगे वो समझ में आएंगे. You're saying there's no reference of शराब, no. नहीं, शराब तो देखो हमारे कल्चर में आप ठेके बंद करा दो हम गाने बनाने बंद कर देंगे. ठेके बंद करा दो आप, गुजरात वाला सीन पूरे हिंदुस्तान में कर दो, हम गाने बनाने बंद कर देंगे शराब के. ये क्यों चाहते हो आप? थोड़ी सी जो पीली है, कितने साल पुराना गाना है, तब से चलता आ रहा है. But why do you, even on your concert, when you do shows, you keep saying the audience ki nashe mat karo. You even in the सूखे नशे बोलता हूँ मैं. दारू भी नहीं पीनी चाहिए, but सूखे नशे बहुत dangerous है, which is like all these जो मैंने किए थे, चरस और weed. तो वो तो बहुत dangerous चीज़ है. उससे मैं specially सबको, मैंने अभी इंडिया के narcotics department में मैंने represent किया, इंडिया गेट पे show किया मैंने पिछले महीने. उसके अवेयरनेस के लिए आई वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट. और मेरे को सीपी साहब ने इसीलिए बुलाया, कहते यार मैंने तुम्हारी रील देखी, तुम स्टेज पे बोल रहे थे, कोई नहीं बोलता ऐसे. मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है, मैं ही नहीं चाहता मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ. तो कहते तुम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो. मैं सर बिल्कुल आप जो हुक्म करोगे हम करेंगे, जो मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा. डू यू ऑल्सो रिजेक्ट सॉन्ग दैट डजंट फिट द थीम ऑफ द एल्बम एंड हैज दैट हैपेंड विद ग्लोरी? नो. In Glory, we made more than 38 songs, and we selected 18 songs. So what happened to the one? हमने reject नहीं किया, हमने comparison किया. मैं reject किसी भी चीज़ को नहीं करता ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने खुद rejection बहुत सा है. तो reject नहीं करता, compare करके देखा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि इसके comparative ये भारी लग रहा है, तो इसको निकाल देते हैं, इसको रख लेते हैं. And finally, you know, do you sometimes worry about the future? That what if one day? If the world stopped caring about hip hop music, do you think sometime about this? I don't care about hip hop music. I don't care about anything. I don't give a shit. I don't give a fuck to anything. I just live my life, bro. I don't think all these things. कि एक दिन ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन ये होगा. सिर्फ एक दिन नहीं होगा. हमेशा. हम ऊपर वाले से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं हम ऊपर वाले से? हम लो मिडिल क्लास फैमिली से आए बच्चे, सपना भी बड़ा देखते हैं, तो कैसा देखते हैं कि भगवान मुझे एक दिन के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दे, तो भगवान भी फिर सिर्फ एक दिन के लिए बनाता है. हम क्यों नहीं मांगते कि हम हमेशा के लिए रहें? तो मैं तो भगवान से पेट भर के मांगता हूँ, वो मेरे भोलेनाथ मुझे देते हैं. What are your plans now about Bollywood? When will we? Bollywood, I'm saying no politely to everybody. And अभी आधे घंटे पहले एक और हमारे दोस्त मिले थे यहीं पे, तो उन्होंने भी बोला आप हमारी फिल्म आ रही है उसके लिए गाने के लिए. मैं कहा मैं बड़ा फोकस्ड हूँ कि मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से अपने आप को चमकाया था, और उसके बाद बॉलीवुड मेरे लिए एक ब्लेसिंग आया और मैंने वो किया. मैं कहा अभी मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे वापस इंडिपेंडेंटली चमकने दो, फिर आप जो कहोगे मैं वो कहूँगा. तो मैं अभी एक साल तो बॉलीवुड नहीं करना चाहता, और ग्लोरी के ऊपर मेरा फोकस है. 18 गाने हैं, 10 म्यूज़िक वीडियोस बनाऊँगा मैं इसके, तो यही तकरीबन 10-11 महीने चलेगी. और अगस्त में डेफिनेटली एल्बम जल्दी आने वाली है. What is very curious to know how, you know, while the singers and musicians who are associated with films get royalties by IPRS, what is the status with the independent music artists or the art, like people like you? Bro, my strategy to do business is very different. It's very different. मतलब कि आपके क्या आप royalties मिलती हैं आप independent? मैं परवाह नहीं करता ना royalties की. royalties एक तंखवा है. जब म्यूज़िशियन एक तनख्वाह पे जीने लग जाएगा तो वो तनख्वाह के बारे में ही सोचेगा। जब म्यूज़िशियन एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेगा तो वो एम्पायर्स खड़े करेगा, वो बड़े बंगले, गाड़ियाँ, कोठियाँ सब कुछ लेगा। लेकिन अगर वो रॉयल्टीज़ के पीछे ही रोता रहेगा या उसके बारे में सोचता रहेगा, मेरा तकरीबन 12 साल पुराना इंटरव्यू है, मेरे से किसी ने रॉयल्टी के बारे में पूछा था तो मैंने एक जवाब दिया था, वो रील बहुत चलती है इंस्टाग्राम पे। तो क्या कहा था आपने उसमें? यही कहा था कि अगर किसी को मेरी रॉयल्टी, IPRS का कुछ मसला चल रहा था कि वो रॉयल्टीज नहीं देते, मैं कहा जिसको रखनी है रखिए, दफ़ा करे, मेरी परवाही नहीं है उस चीज़ की, वो पेनीज़ है मेरे लिए। मेरा फोकस हमेशा बिजनेस में बड़ा रहता है और आई एम अ बिग फिश एंड आई थिंक बिग एंड आई मेक इट वर्क। But then, what are your views on, you know, we see this streaming, audio streaming platform displaying huge numbers, like millions of streams. Yeah. How does this millions of streams convert into money? It's converting into big money. Artists are getting big ass money, but they are not becoming superstars. They are becoming streaming stars. Okay. उनके पास numbers हैं, उनकी streaming आ रही है, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपये की टिकट उनके शो की नहीं बिक रही, क्योंकि उनको देखना नहीं चाहता, उनको सिर्फ सुनना चाहता है। तो वो सुपरस्टार्स नहीं है, जब तक वो विजुअल्स नहीं देंगे, जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने आप को बेच नहीं पाएंगे। एक ही सुपरस्टार जब से मैं गायब हुआ मुझे दिख रहा है, जो बना है अपने बलबूते पे और अपने भाई की मदद से, वो एक ही है जिसने अपना ब्रांड बनाया, अपनी इमेज बनाई, अपने शोज़ बेचे, और आज वो कहीं भी गाड़ी से उतर जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। वो दैट्स ए पी टिलो। Really? Yeah. Don't you think to some it feels like he was the flavor of the season, like he came, conquered, and now he's the future, bro. He today I think it's a time for Karan Aujla. Karan Aujla is amazing. He's a hustler है वो है जो रेगिस्तान में भी कुआं खोद के पानी निकाल रहे। वो इतना मेहनती आदमी है, उसको मैं कई सालों से देख रहा हूँ। Do you see a little bit of Yo Yo Honey Singh in him? Like no, he is better than me. Really? He is definitely better than me. बहुत wise है वो, यहाँ से बहुत intelligent है, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह, भाई है मेरा। But AP Karan is also a superstar. He's अभी तौबा बॉलीवुड में अच्छा गाना चल रहा है। Yeah, उसकी if you see he's been consistently giving hit after hit. He's making good money. He's making fat Karan Aujla, because beat Brown. Yeah, he is making fat ass money, and I respect that. But my favorite is Karan is there. कोई वो नहीं है, लेकिन जिसको मैं बोलता हूँ ना कि छा गया वो ए पी टिलो। मेरे लिए मेरा फेवरेट यो यो हनी सिंह है। Will always remain. You are the best. Thank you. My favorite, your most innovative musician we know. I mean, what a comeback you have made. I still love Paris ka trip from last time. Well, on that note, I want to thank you for taking time out and talking to me. Much. Looking forward to Glory now and whatever you do next. Thank you so much. Thank you. And jaate, would you like to give us few lines of your favorite track? Kudiyan Itera, Brown Angine, Munde Patte Deni Sare Mere Taunde. कब तक ये मेरा पुराना गाना सुनते रहोगे? आने वाली है Glory 18 नए गानों के साथ अगस्त में, जल्द ही। Do not miss it. Yo Yo Honey Singh.